गुलाब जी कटारिया की नेतृत्व में 18 तारीख को एक ज्ञापन दल के रूप में गुलाब जी कटारिया की नेतृत्व में 18 तारीख को एक ज्ञापन के माध्यम से अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि आप इस पर निर्णय करें, त्याग पत्र स्वीकार करें। उसके बाद लगातार 19 तारीख को और 3 पत्र मैंने भी दिए और व्यथित होकर जब संविधान बनाने वाली संस्था के सर्वोच्च शिखर पद पर बैठे माननीय अध्यक्ष जी संवैधानिक प्रावधानों की पालना नहीं करें, विधानसभा के रूल्स में 173(3) में स्पष्ट प्रावधान है, एक प्रफोर्मा है, उस प्रफोर्मा में सभी मान्य सदस्यों ने त्याग पत्र दिया। आज राजस्थान के अंदर जो मंत्रिमंडल में सदस्य हैं नैतिकता के आधार पर उनसे किसी ने जबरन त्याग पत्र लिया नहीं, वो किस हैसियत से मंत्रिपरिषद की बैठक में जा रहे हैं। एक्स पर्सन ये भी है कि अगर 91 सदस्यों का त्याग पत्र है तो क्या ये सरकार बहुमत में है। इन सारी बातों से व्यथित होकर आज मैंने संविधान प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए एक PIL माननीय उच्च न्यायालय में डाली है। मैं इस PIL के अंदर स्वयं इसकी पैरवी करूंगा और मैं कोशिश करूंगा न्याय का दरवाजा खटखटाकर कि इस मामले के अंदर माननीय अध्यक्ष को निर्देश करें कि जो त्याग पत्र उनके पास लंबित है। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में भी रह गया एक वर्ष से कम समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग, रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से लगता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।